दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त अब अगर आपने देश के हालात देखें तो उसका जो सबसे एक महत्वपूर्ण पहलू उभरता है वो ये कि बहुत तेजी से अपने देश की जो परिसंपत्तियां हैं, जो एसेट्स हैं, वो प्राइवेट हाथों में खिसक रहे हैं। बड़ी बड़ी जो सरकारी कंपनियां हैं जहां सैकड़ों हजारों लोग भी कई जगह काम करते हैं, वो भी अब धीरे धीरे प्राइवेट हाथों में सिमट जाएंगी। पहले भी बहुत सारी कंपनियां दी जा चुकी हैं। भयानक बेरोजगारी है, इस कदर बेरोजगारी है कि लोग जिन प्रदेशों में, खासकर मैं उन प्रदेशों की बात कर रहा हूं जहां के अभी चुनाव हो रहे हैं, वो लोग इस तरह से बेरोजगारी को लेकर शिकायत नहीं करते थे जैसे यूपी बिहार के लोग करते हैं। लेकिन अब तो बंगाल असम के हालात भी इस कदर खराब हैं, यूपी बिहार के बहुत सारे गरीबों को रोजगार देने वाला बंगाल स्वयं बेरोजगारी का इतना बड़ा शिकार बना हुआ है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन इन चुनाव में जो 5 राज्य के हो रहे हैं, उसमें खासकर 2 राज्यों में अगर आप देखिए, बंगाल और असम, तो बेरोजगारी है, बेहाली है, महामारी है, क्या नहीं है इस समय जो बेहाली को संबोधित करे, जो बताए कि कितना हाल खराब है आवाम का, जनता का, समाज का। लेकिन चुनाव में क्या हो रहा है? चुनाव में दोस्तों गोत्र पुराण चल रहा है, धर्म कर्म से राजनीति को निर्धारित और संबोधित करने का सिलसिला चल रहा है। ऐसे नेता भी जो अपने को सेकुलर पार्टियों का कहते थे, वो नेता भी अब अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत मंदिरों से कर रहे हैं, अपने गोत्र बता रहे हैं, चाहे वो इनडायरेक्टली क्यों ना बताएं। और जिन लोगों ने इस तरह का माहौल चुनाव में क्रिएट किया शुरू से ही, वो लोग मजे ले रहे हैं। उन लोगों ने पूरे चुनाव को अपने एजेंडे के तहत चलाने में, उसको अपने एजेंडे की तरफ झुकाने में अपनी कामयाबी पर वो बहुत खुश हैं। वो व्यंग कर रहे हैं कि हमारे नेता जो पहले करते थे, अब सेकुलर पार्टियों के नेता उसी की नकल कर रहे हैं। तो ये गोत्र पुराण जो है ये चुनाव बन गया है, ये कमाल की बात है। जाति, वर्ण, धर्म, संप्रदाय और अब गोत्र। और दूसरी बात दोस्तों, कि जो लोग इन सब चीजों के रचनाकार हैं, वो लोग कह रहे हैं कि अब आप बताइए कि रोहिंग्या जो होते हैं उनकी कौन सी गोत्र है। ये वो एक फूहड़ किस्म का व्यंग कर रहे हैं। उनको मालूम नहीं कि वो किस तरह की मनुष्यता के साथ किस तरह का मजाक कर रहे हैं। जिस मुल्क में इन दिनों, म्यांमार की बात मैं कर रहा हूं, मैं म्यांमार में इसलिए बात कर रहा हूं कि वहां फ्यूनरल यानी शव यात्राओं पर भी गोलियां चलाई जा रही है। आप जानते हैं सैन्य तानाशाही वहां आ गई है। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि अगर कोई भारत में शरणार्थी कहीं से आए हैं उस तरह के देशों से, तो उनको वापस भेज दिया जाए। यहां वो लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि हमें मत भेजिए वरना हमें मार डाला जाएगा। लेकिन उनको लेकर भी राजनीति हो रही है चुनाव में। मजे की बात है कि जो केंद्र में सत्ताधारी लोग हैं, उनकी रिजीम जहां जहां है राज्यों में, वहां भी रोहिंग्या या और शरणार्थी रहते हैं। किसी को अब तक हटाया नहीं गया तमाम दावों के बावजूद, तमाम नारों के बावजूद। तो क्या समझा जाए कि क्या ये केवल चुनाव में एक पोलराइजेशन के लिए संप्रदायों और धार्मिक जो अलग अलग सोच और धार्मिक अवलंबी हैं उनके बीच में एक नफरत और विभेद पैदा करने की केवल ये एक एक नारेबाजी है? तो दोस्तों, ये जो धर्म, संप्रदाय, जाति, वर्ण और गोत्र जो हमारे चुनाव में प्रवेश कर गया है इस तरह जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, एक ऐसा देश जो नई पार्लियामेंट बना रहा है लोकतंत्र को मजबूत करने के नाम पर, बहुत बड़ा सदन होगा, बड़ा सेंट्रल हॉल होगा, बहुत खूबसूरत लाइब्रेरीज होंगी, उसमें बहुत सारे वाचनालय होंगे, MPs के लिए बहुत सारी सुविधाएं होंगी। लेकिन क्या
वह लोकतंत्र भवनों से चलेगा, क्या वह संरचनाओं से चलेगा, स्ट्रक्चर का मतलब बिल्डिंग से चलेगा, या लोकतंत्र की जो हमारी संरचना है उनके आबाद, उनके सजीव और उनके उसके जीवंत होने से चलेगा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र की जो संरचना है, जो संवैधानिक मान्यताएं हैं, जो प्रावधान है, वो तो मर रहे हैं इस चुनाव में। दोस्तों, एक हमारे निर्वाचन आयोग ने सभी दलों की मीटिंग के बाद एक आदर्श आचार संहिता बनाई, क्या खूबसूरत नाम है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। उसका जो पहला प्रोविजन है, पहला जो प्रावधान है, उस प्रावधान में पहले नंबर पर कहा गया है कि कोई भी पार्टी या प्रत्याशी समाज में जो भेद हैं उनको बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा किसी कीमत पर, और विभिन्न समुदायों के बीच में मतभेद बढ़ाना, नफरत करने की कोई कार्रवाई नहीं करेगा। दूसरा जो प्रावधान है वो क्या कहता है कि देयर शैल बी नो अपील टू कास्ट आर कम्युनिटीज, किसी भी तरह के जाति और समुदाय के लिए अपील नहीं की जाएगी उनसे। और दूसरी बात कि मस्जिद, चर्च, मंदिर, किसी और उपासना स्थल यानी जो वर्शिप के स्थान है वहां से किसी भी तरह से इलेक्शन का प्रोपेगेंडा यानी प्रचार नहीं किया जाएगा, यानी धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल चुनाव में नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी तो टॉप से बॉटम, टॉप नेता से देश के और मझोले कद के नेता, राज्यों के बड़े जो ओहदेदार हैं, वे सारे के सारे मंदिर में दिखाई दे रहे हैं। कोई मत्था टेक रहा है, कोई साष्टांग कर रहा है, कोई ये बता रहा है कि यहीं आकर हमको बहुत ही चैन मिला है, सीधे ईश्वर से साक्षात्कार हो रहा है। ये मंदिर, मस्जिद, चर्च, जो हमारे आचार संहिता में लिखा है कि इनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा चुनाव के दौरान अपने प्रचार के लिए, आखिर वो हो क्या रहा है। और दोस्तों, ये कागज पर लिखी हुई केवल चीज नहीं है, हमारे जो संवैधानिक जो मान्यता है, इवन जो हमारा पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, उसके भी प्रावधानों में ये चीज है। और दोस्तों, उसी के तहत हम सब जानते हैं कि 1987 में मुंबई में एक चुनाव हुआ था, 1987 में वो चुनाव जो था विले पार्ले बाई इलेक्शन उसको कहते हैं, उपचुनाव था विले पार्ले कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसमें उस समय के महाबली राजनेता महाराष्ट्र के बाल ठाकरे साहब ने धार्मिक सांप्रदायिक भावों को पैदा करने की कोशिश की चुनाव में अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए, अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए, और उस पर केस हो गया, FIR हो गया, और वो हालात इतने आगे बढ़े कि मामला हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया KR नारायणन साहब थे उनके समय गया, वहां भी गया, और अंततः KR नारायणन साहब के आदेश पर इलेक्शन कमीशन ने एक स्पेशल कमेटी बनाई और उस कमेटी ने श्रीमान बाल ठाकरे को 6 साल के लिए दंडित किया कि आप मतदाता भी नहीं हो सकते, चुनाव लड़ने की तो बात छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, ये वो मुल्क है जहां इस तरह का कदम उठाया गया। लेकिन अब तो जो चीजें हो रही हैं वो बाल ठाकरे ने जो किया 1987 में उससे 10,000 गुना ज्यादा है। लेकिन क्या बदल कि इलेक्शन कमीशन कुछ कर ले, तो इलेक्शन कमीशन आखिर क्यों नहीं कुछ कर पा रहा है, हैरतअंगेज। आखिर क्या वजह है कि जहां मनुष्यता मर रही है हमारी, जहां इतने लोग बेहाल हो रहे हैं, जहां पर हमारी संरचनाएं जो हैं लोकतंत्र की वो बेहाली में है, आखिर इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था, जो इतनी महत्वपूर्ण संस्था हमारी है, संविधान द्वारा निर्धारित है, आर्टिकल 324 कॉन्स्टिट्यूशन की उसके तहत बनी है, आखिर उस संस्था को क्या हो गया है, क्या वजह है कि जो निर्वाचन आयोग एक जमाने में स्टैंड ले सकता था, आप कल्पना कर सकते हैं, टीएन शेषन साहब जब इलेक्शन कमिश्नर बने, कांग्रेस के लोगों पर आरोप लगता था कि उन्होंने अपने
प्रिय पात्र नौकर शाह को बना दिया। लेकिन उन्होंने कांग्रेसी सरकारों को इतना परेशान किया कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और टीएन शेषन ने सत्ता की चाकरी करते हुए जो लोग नौकर शाह इलेक्शन कमीशन में एक जमाने में जाते थे, खासकर कांग्रेस रिजीम में, उस इलेक्शन कमीशन को फिर जनता के पास ला दिया और जनता का इलेक्शन कमीशन को अगाध विश्वास प्राप्त हुआ। वही इलेक्शन कमीशन फिर सत्ता दरबार में पहुंच गया है। और दुख की बात है दोस्तों कि इतनी सारी शिकायतें जाती हैं इलेक्शन कमीशन पर, लेकिन क्या मजाल कि टॉप लोगों को, चाहे वो इस पार्टी के हों चाहे उस पार्टी के हों, उन पर कभी कोई कड़ा फैसला इलेक्शन कमीशन कर पाता है। आपको याद होगा 2019 का चुनाव, जब प्रधानमंत्री से लेकर के और अभी जो और उनकी कैबिनेट के बड़े बड़े नेता हैं, उन पर पिटीशंस गए थे, शिकायतें गई थी, कंप्लेन गए थे, और उस पर इलेक्शन कमीशन ने हरी झंडी दे दी, कुछ नहीं हुआ, सब क्लियर। लेकिन एक इलेक्शन कमिश्नर थे, अशोक लवासा उनका नाम था, उन्होंने उस पर अपना नोट ऑफ डिसेंट दिया। क्या हालत हुई? हालत यह हुई कि उनके परिवार के कई लोगों पर इनकम टैक्स नोटिस जाने लगे, बहुत सारी परेशानियों में वो फंस गए और अंततः इलेक्शन कमीशन से वो अलग हो गए। उससे अलग हो गए और उनका अभी जबकि समय बचा हुआ था, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाते अगर देखा जाए उनकी सीनियरिटी, और उनको विदेश में पोस्टिंग लेकर जाना पड़ा। तो ये हाल अपने देश का है। तो इस तरह से अगर संस्थाओं की स्थिति है तो लोकतंत्र बिल्डिंग बनाने से नहीं बचेगा। उसको आप खूबसूरत नाम कुछ दे दीजिए, कोई बड़ा उस संग्रहालय बना दीजिए, कोई वाचनालय बना दीजिए, कोई सेंट्रल हॉल खूबसूरत बना दीजिए, उससे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं बचेगी दोस्तों। बचेगी अगर हम संविधान के मूल्यों और मान्यताओं के हिसाब से काम करें और हमारी संवैधानिक संस्थाएं, हमारी लोकतांत्रिक संरचनाएं अगर जीवित रहें। दुखद यह है कि वो मर रही हैं, वो बेमौत मर रही हैं, और इस तरह से हमारे आंख के सामने हमारा लोकतंत्र ऊपर से तो दिखाई दे रहा है लेकिन अंदर से मर रहा है। सोचिए, आप कल्पना कीजिए, जहां बेरोजगारी इस कदर है वहां लोग भूल जा रहे हैं अपनी बेरोजगारी, वो कारखानों को बिकता हुआ भूल जा रहे हैं, वो भूल जा रहे हैं कि उनकी तेल कंपनियां प्राइवेट हाथों में जा रही हैं, वो भूल जा रहे हैं कि सरकारी कारपोरेशन कारपोरेट के हवाले किए जा रहे हैं, वो भूल जा रहे हैं कि उनके पुल, उनकी नदियां कुछ भी बिक सकते हैं, वो ये भी भूल जा रहे हैं कि सरकारों के बनने के बाद जो उनका स्कूल गांव में चलता है, हो सकता है वो भी बंद हो जाए, वो भी प्राइवेटाइज कर दिया जाए, जैसा उत्तराखंड से लेकर और तमाम प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश में भी, उड़ीसा में, यहां तक कि बंगाल, पंजाब, हर जगह बहुत सारे प्राइवेट जो सरकारी स्कूल चला करते थे, आप कल्पना कीजिए कितनी भारी संख्या में उनका प्राइवेटाइजेशन हुआ है या वो बंद किए गए हैं। तो दोस्तों, शिक्षा की हालत यह है, हेल्थ केयर की इतनी बुरी स्थिति है, तो उस देश में यह सब हो रहा है। आप सोचिए कि बंगाल और असम के चुनाव में वहां की आवाम, वहां की जनता के सरोकार क्यों नहीं झांक रहे हैं। उसके मुकाबले अगर आप देखिए तो तमिलनाडु और केरल और पुडुचेरी में माहौल फिर भी बेहतर है। तो इन शब्दों के साथ दोस्तों, आज बस इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।